राजधानी रायपुर में स्मार्ट सिटी के नाम पर लाखों रुपए फूके जाने के बाद भी लोग नाले के गंदे पानी पीने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि दमघोटू बदबू के बीच लोग रहने को भी मजबूर हैं। रहवासी जिम्मेदार अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं कि राजधानी में जमीनी स्तर पर काम कम और कागजों फाइलों में ज्यादा हो रहा है, लेकिन अब सरकार बदलने के बाद लोगों को समस्या का समाधान के लिए एक उम्मीद की किरण नजर आई है। यहाँ गत 15 वर्षों से आनंद नगर आनंद विहार गुरुद्वारे का पानी या इस गली में आके तबाही मचा रहा है। बहुत आपत्तिजनक स्थिति रहती है। ये नाले के 3-4 फीट ऊपर पानी चलता है, सबके घरों में पानी रहता है। कई बार एक डेथ भी हो गई है, पीछे पानी निकालते समय टुल्लू में एक बच्चे की डेथ हो गई, उसके बाद भी शासन ध्यान नहीं दे रहा है इस गली। यहाँ पर पूरे आनंद नगर आनंद विहार सिविल लाइन जल विहार कॉलोनी पंचशील नगर सभी जगह का पानी इकट्ठे यहाँ आता है। वहाँ कहीं जाम रहता है तोड़ते हैं, यहाँ हमारे घरों में घुस जाता है। शासन प्रशासन को ये आज की स्थिति नहीं है, भाई साहब लोग बताते हैं शुरू से ये हाल है। हर किसी को हम बोल चुके, विधायक को, महापौर को, सबको दिखा भी चुके, लाके देखिए भी है कैसे।